क्या हो आप? सरपंच। कितने दिन पहले सरपंच बनी थी? 2 साल पहले। चुनाव लड़ने का फैसला कैसे लिया? पति ने कहा कि आप चुनाव लड़ो, पर एक दो बार मुझे भी ऐसा डर लगा कि पता नहीं कि कैसे क्या होगा, पर इसलिए लड़ ली कि मैं पढ़ी लिखी है इसलिए, और काम मैंने इसलिए सीखा कि पति ही करते हमारे, ससुर भी करते, इसलिए मैंने काम भी सीख लिया। इसलिए ना तो पापा ने बोला तो चुनाव में सभी सबकी समिति से ना खड़े हो गए, तो सबकी सबने साथ दिया तो चुनाव जीत गए। और अभी आपका काम कौन करता है सरपंचगिरी का? सरपंचगिरी का मैं ही करती हूँ और बेबी करते हैं। वो क्या क्या काम करते हैं और आप क्या क्या काम करती हो? मैं ये काम करती हूँ, कहने का मतलब कि ऐसे कोई भी काम बाहर जाने का होता है नहीं तो वो तो वे करते हैं, और जो मेरे फर्ज का काम होता है उसको मैं करती हूँ। बाहर कहाँ जाने का काम होता है उनको? अरे बाहर कहने का मतलब ऐसे गाँव में डोलना, इधर उधर उधर कहने का, गाँव वाले के साथ डोलना, बड़े बड़े आदमियों के साथ डोलना, तो वो काम तो यही करती है। आप क्यों नहीं कर सकती ये काम? आपने कभी कहा नहीं? नहीं कहा, पर मैं ही नहीं जाती क्योंकि बड़े के साथ क्यों ससुर में रहते हैं, तो मैं शर्म करती हूँ इसलिए, और नहीं और कोई जाती नहीं। तो इस सब चीज़ का जो बस्ती में काम करना उसका निर्णय कौन लेता है और कौन कौन जाता है आपके साथ मीटिंग में? मैं भी जाती हूँ, पापा जी जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं। आप किस तरह सक्षम हुई इस काम को करने के लिए? क्या बाकी की और जो महिलाएं आती हैं आपके साथ में वो भी काम करती हैं या उनके पति काम करते हैं? नहीं, सब महिला ही बोलती है। जैसे कि नरेगा का काम चल रहा है तो उसको क्या सरपंच महिला है तो वो ही संभालेगी या उनके घर वाले? नहीं, पापा जी जाते हैं, घर वाले जाते हैं। आप नहीं जाती हो? नहीं, मीटिंग वीटिंग में जो कोई काम आता है ना तो मैं भी जाती हूँ। मीटिंग के बाहर जो कोई काम होता है, रोड बनवाना, हेडपंप, उसके लिए? उसके लिए अभी थोड़ी कभी चले जाते, कभी पापा जी देखभाल करते हैं। कभी आपने उनको नहीं बोला कि मुझे जाना है? नहीं, मैंने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला आपने? क्या आप अभी इतनी सक्षम नहीं हुई हो? आप अपने दम पर चीजों को संभालने में कब तक सक्षम हो जाओगी? संभालने में तो मैं अब भी संभाल सकती हूँ, और वे बोल दे तब भी संभाल सकती हूँ, मैं खुद संभाल सकती हूँ, पर बड़े आप अपने हस्बैंड हैं तो ठीक है, वे कर सकते हैं, और वे बोलते हैं तो मैं भी संभाल लेती हूँ। क्या वो बोलते नहीं हैं आपको? नहीं बोलते हैं, पर मैं खुद ही नहीं जाती। गांव वालों ने आपको चुना है तो गांव वालों के साथ जाने में क्या परेशानी आती है, वो ही मैं समझना चाहती हूँ। गांव वाले तो कुछ नहीं बोलते उनके साथ, उनके जान तो कुछ भी करो, जाओ आओ, पर मैं ही नहीं जाती क्योंकि आप सरपंच ही तो 5 साल की रहती है, और सब पहले भी बहू थी और आऊ कहने और मुझे पर्दा करना पड़ता है, और उसके बाद भी पर्दा करना पड़ेगा, 5 साल के बाद भी करना पड़ेगा और अब भी करना पड़ेगा,
कर जाते हैं जी।